ये देखिए बहुत सारा पकड़ लिया, चलो जाओ। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक का, चलो चलो। आजा आजा, अभी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, वो देख के आप लोग हंसेंगे। आप सभी को पता है मैंने एक डाक को ना थोड़ा कुछ एग्स दिया हैचिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा दो डाक एक हैचिंग कर रही है। योर देखिए कितना बदमाश है ये लोग। ये ना बाद में आया है, लेकिन ये दोस्तों सबसे पहले डाक हुई है और इसको ही एग्स दिया गया है। लेकिन ये देखिए ये भी यहाँ पर एक हैचिंग के लिए आ गई है, यानी कि ये भी कुड़क हो गई है। तो अब क्या होगा, इसको ना यहाँ से निकालना होगा। लेकिन यार यहाँ पर हाथ डालने से ये लोग बाइट करेगा, काफी एग्रेसिव हो जाते हैं जब ये लोग कुड़क हो जाती है। देखिए कैसा कर रहे हैं ये लोग, अरे अरे बाइट कर दिया यहाँ पर। शिट, इसकी मदद से इसको निकालने की कोशिश करूंगा। नहीं 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 इसको बाइट कर लो, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इसको बाइट कर लो। हाँ यार तुम यहाँ से निकलो, चलो 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 जाओ जाओ। ये भी बाइट करते है, देखिए क्या यार, निकलो निकलो तुम यहाँ से निकलो, बाहर आ जाओ। यहाँ पर इनको खाने के लिए भी दिया गया है। ये अच्छे तरीके से बैठ गए क्या? हाँ ये देखिए। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। तो हमारा और एक नए पेट्स ब्लॉग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों नेवला पकड़ने का प्लानिंग चल रहा है। एक्चुअली बात कुछ ऐसा है दोस्तों, नेवला जो है ना यहाँ से निकालते हैं। तो आप सभी को पता है रिसेंटली हमारा एक डाक को ना नेवला ने मार दिया। यार सभी नेवला को पकड़ के ना मैं बहुत दूर जाकर उनको रिलीज करूंगा। तो देखते हैं यहाँ से सभी नेवला को पकड़ सकते हैं या नहीं। नेवला ने दोस्तों बहुत ज्यादा नुकसान किया, पहले तो हमारा दो बड़े बड़े डक्स को मार दिया, एंड एक दिन मैं 5 डकलिंग्स को मार दिया था। और वो लोग दोस्तों डक के अंडे, बटर के अंडे, टर्की के अंडे भी खाते हैं। कितने सारे मुर्गी के अंडे खाए है ना उसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पर हमारा गाय को दोस्तों खाने के लिए हे वगैरह दिया गया है, देखिए मजे के साथ खा रहे है। और यहाँ पर हमारा ब्लैक कलर की जो गाय है वो भी खा रही है। यहाँ पर हमारा बछड़ा बछड़ी भी खा रही है। इन सभी फिश को दोस्तों भूख लगा है, तो खाने के लिए फीड देना होगा। पर उससे पहले दोस्तों ये जो फिल्टर है ना ये जैम हो चुका है, तो इसको ना बाहर निकालता हूँ। हुरियो क्या हुआ? अंदर आने के लिए काफी चिल्ला रहे हैं। आ जाओ आ जाओ हुरियो, हाँ आ जाओ। यकीन बनिए दोस्तों ओरियो ना मेरे बिना रहना ही नहीं चाहता है, जहाँ जाता हूँ ये पीछे पीछे आ जाते हैं। तो इसको निकाल रहा था जी, मैं निकाल लिया। ये देखिए और कितना जैम हो चुका है ना। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ना ये खोल के मैं इसके अंदर ही रखने वाला हूँ। ये ज्यादा साफ करने का जरूरत नहीं पड़ता है, जस्ट तो इसको ही साफ करना होगा। और उसके बाद ये फीड से करना शुरू करेगा। अभी तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा था क्योंकि ये जो है ना ये जैम हो चुका है। ये देखिए कितना गंदा हो चुका है, ये है ना। इसको साफ करना भी काफी आसान है दोस्तों, ठीक है। यार पानी कितना खराब हो गया देखिए। ये दोस्तों क्लीन हो चुका है, देखिए इसको फिटिंग करता हूं, हो गया। चलिए आप इस एक्वेरियम के अंदर इसको लगाते हैं, इस कोने में था, ठीक है। अरे हाँ हो गया। अब चलिए करंट को पास करते हैं। ये देखिए ये फिर से वर्क करना शुरू की है, और हमारा अभी सभी फिशेस को ना ऑक्सीजन मिलेगा आराम से, देखिए सब एक्टिव हो गया है तुरंत। इस एक्वेरियम के अंदर दोस्तों फिर से गप्पीस और हमारा मोली फिश ने ना फ्राइज दी है, जो एक्चुअली पत्थर के नीचे है। आप कहाँ गया? इसको यहाँ से हटा के देखता हूँ। मैंने मोली फिश के फ्राइज को देखा था, लेकिन अब भी दोस्तों नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ पर है, ढूंढना होगा, उसके बाद ही हमें मिलेगा, है ना। एक तो दोस्तों इस कोने में है, आ जाओ ये पकड़ लिया, देखिए कितना स्मॉल सा बेबी है। और इसको पकड़ के दोस्तों इसके अंदर रखना होगा। चलो सभी बच्चे ना ऊपर आया है, और इनका ग्रोथ देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा हुआ है। ये देखिए दोस्तों कितने सारे फ्राइज है यहाँ पर, वाव। ब्लैक कलर की जो फिश है ना
वो सबसे ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और भी बहुत सारे फ्राइज यहाँ पर है, तो चलिए सभी को यहाँ पर रिलीज करते हैं फिर से। चलो चलो चलो। हाँ मैं दोस्तों 100% कंफर्म हूँ कि इसके अंदर जो फ्राइज था ना वो बिग फिश ने खा लिया, नहीं तो हमें अभी ना सिर्फ एक ही फ्राइज मिला है। और मूलिस का भी फ्राइज था, गप्पिस का भी बहुत सारे फ्राइज था, सभी दोस्तों गायब है इस टैंक से, यानी कि इन लोगों ने खा लिया। योर कैसा फिश है ये? आज मैं दोस्तों ओरियो को ना डिवॉर्मिंग का मेडिसिन पिलाया, तो मेडिसिन पिलाया एक घंटा हो चुका है, एक घंटे से ज्यादा हो गया है। तो आपके दोस्तों हमारा ओरियो को ना खाने के लिए देते हैं, भूख लगा है और इसको ना काफी जोर से भूख लगा है। रुको रुको, इसके लिए खाना लेके आता हूँ। ऑलरेडी मैं यहाँ पर देखिए रेडी करके रखा। आजा ओरियो, कम कम। खाने के लिए दिया चावल, चिकन, पेडिग्री फूड, और उसके साथ दोस्तों मिलाया माल्टी स्टार जो एक्चुअली विटामिन है। देखिए कितना मजे के साथ ही खा रहे हैं। तो यार सबसे पहले आज चिकन खा रहे हैं, खाओ खाओ। आज इसको नहलाना ठीक होगा या नहीं पता नहीं, देखिए कितना गंदा हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा इसको नहलाने वाला हूँ आज। नहीं दोस्तों क्योंकि आज मैं डिवॉर्मिंग किया तो मे भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो कल मैं इसको ज़रूर नहलाऊंगा। आप सभी को पता है हमारा मजनू को, हमारा लैला और लिली को परसों नहलाया था, वो बहुत ही ज़्यादा साफ हो गया है। यहाँ पर देखिए केस ना खरगोश बाहर निकल आया है, और इनको देखिए कितना साफ हुआ है ना। ये तो सबसे ज़्यादा गंदा हुआ था, बट आज देखिए काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है तीनों को, है ना। और ये दोस्तों खरगोश को पकड़ने के लिए गया था। आ जाओ ओरियो, खरगोश को नहीं मारते हैं, जस्ट खरगोश के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रहो, कुछ ही सेकंड के अंदर इसने खाना खत्म की है, और खाना खत्म होने के बाद दोस्तों ये खरगोश के पीछे भाग गया था। ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। अभी मुझे फ्लोरिया को खाना खाने के लिए देना होगा, आज थोड़ा लेट हो गया है। यहाँ पर मैं खाना को रेडी करके रखा। रुको रुको यार, हटो हटो, पैर हटो यहाँ से। क्या यार देखिए, हाँ हाँ ये खा लो, देखिए मजे के साथ खा रहे। और इसका दोस्तों दोनों कान काफी गंदा है, मैं कुछ दिनों से लगातार साफ कर रहा हूँ, तो बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है। तो इसके लिए वाटर का इंतजाम करना होगा। अभी दोस्तों खरगोश की केस के अंदर एक गिनी पिग है और दो खरगोश है, एक तो ऑलरेडी बाहर गया। एक्चुअली इस डोर को बंद करना मैं भूल गया था। खरगोश दोस्तों मेरे रूम के अंदर आ गया है, तो ओरियो का रिएक्शन देखिए, ये ना यहाँ पर आराम से सो रही है, लेकिन खरगोश रूम के अंदर आके घूम रहे हैं। ओरियो ओरियो ओरियो, देखिए वो खरगोश की तरफ देख रहे हैं। और खरगोश को ना यहाँ से निकालना होगा, जाओ 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 बाहर जाओ, रूम के बाहर जाओ। हाँ वो देखिए भाग गया। अभी मुझे फार्म से टर्की को बाहर निकालना होगा। जाओ जाओ बाहर आ जाओ, कम 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 कम। देखिए सबसे पहले रानी आ रही है, राजा आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ यार, रिटर्न क्यों जा रहे हो? आ जाओ हाँ गुड। ये तो भाई हमारा हेलीकॉप्टर है, ये देखिए। अरे 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 तुम लोग बाहर मत निकलो, तो देखते हैं हमारा बटर ने अंडे दी है या नहीं। क्यों और ये लोग तो अंडे नहीं दी है। यूनिफॉर्म ना दोस्तों आपस में काफी लड़ते हैं, वो देखिए यू ना लड़ रहे हैं सबके साथ। सभी को दोस्तों फीड खाने के लिए देना होगा, तो चारों के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ये आ जाओ खा लो, आ जाओ। तीन आ गया खाने के लिए, और एक दोस्तों केस के अंदर है, ये देखिए ये ना उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों वाटर है, सो मुझे वाटर देने की जरूरत नहीं है, खाओ खाओ। ये है दोस्तों हमारा फिश और टाइटल के लिए नया पूल। देखिए यहाँ पर ना मैं वाटर डाल दिया, ये स्पॉन्ज फिल्टर में इसके अंदर रखने वाला हूँ, ठीक है। देखिए हमारा फिश को ऑक्सीजन मिलेगा, और ये जो वाटर है ये साफ सुथरा रहेगा, है ना। इस पूल के अंदर दोस्तों मैं वाटर डाल रहा हूँ, क्योंकि वाटर का जो लेवल है ना वो थोड़ा हाई करना होगा, और थोड़ा देना होगा, ठीक है। इन टैंक का जो वाटर है वो भी कम हो गया था, तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इतना ही काफी है, इसके अंदर भी ऐड कर रहा हूँ। कुछ दिन के अंदर ही दोस्तों सब टैंक का जो वाटर है ना वो सूख जाते हैं, पता नहीं क्यों, तो इसके अंदर भी वाटर डाल रहा हूँ। आप चलिए ऑस्कर फिश के टैंक के अंदर भी वाटर ऐड करते हैं।
इतना ही काफी है दोस्तों इस टैंक के लिए, है ना। आप चलिए दोस्तों फिश को लाते हैं। इसके अंदर है दोस्तों सभी फिश, देखिए थोड़ा कुछ गोल्डन कार्प है और थोड़ा कुछ सिल्वर कार्प है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए ये है दोस्तों सिल्वर कार्प एंड ये है गोल्डन कार्प। देखिए कितना क्यूट क्यूट है ना। एक्चुअली स्मॉल साइज का ऑर्डर किया था तो यहाँ पर टोटल 5 गोल्डन कार्प है और थोड़ा कुछ ये सिल्वर कार्प है। अब चलिए दोस्तों इन फिश को ना यहाँ पर रिलीज करते हैं। ये देखिए बहुत सारे पकड़ लिया। चलो बहुत ही ज्यादा दोस्तों खूबसूरत लगेगा ये पूल। जाओ और भी थोड़ा कुछ है यार, इनको पकड़ना भी मुश्किल है। ये पकड़ लिया। चलो और भी दोस्तों बहुत सारे वैरायटीज फिश में इस पूल के अंदर रखने वाला हूँ। ये देखिए गोल्डन कार्प। चलो चलो इतना ही फिश है दोस्तों हमारे पास, तो बहुत ही जल्दी गोल्ड फिश भी आएगा इस पूल के लिए। आप लोगों को ये पूल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो यही थे दोस्तों आज के हमारे ब्लॉग, उम्मीद करता हूं सभी को पसंद आए। पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहे। बाय बाय।